अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। रंग बिरंगे पल, पेंटर और बॉस की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक पेंटर नामक युवक रहता था। वह अपनी कला में माहिर था और अच्छे रिटेल पेंटिंग करने का ज्ञान रखता था। वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अधिक संभावनाएं ढूंढ रहा था। एक दिन उसे शहर के बड़े एक आवासीय परियोजना का आदेश मिला। यह आदेश उसके लिए बड़ा मौका था, लेकिन उसे इसके लिए एक टीम बनाने की आवश्यकता थी। वह तत्परता से टीम की खोज करने लगा। उसकी खोज में उसे एक वरिष्ठ पेंटर जिसका नाम रवि था मिला। रवि एक अनुभवी और कुशल पेंटर था जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा था। पेंटर युवक ने रवि को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। रवि इस परियोजना में रुचि दिखाने के लिए खुश हुआ और इसे स्वीकार कर लिया। इस परियोजना का बॉस एक सख्त और निष्ठावान व्यक्ति था। उन्होंने हमेशा बेहतरीन परिणामों की मांग की और अपनी उच्च मानदंडों के साथ काम करने की प्रतीक्षा की। काम शुरू हो गया और पेंटर और रवि ने एक बड़ी नई आवासीय इमारत को सुंदरता से पेंट करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पेंटर और रवि ने अपनी कौशल से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने कौशल को संगठित ढंग से इस्तेमाल किया। इस परियोजना का बॉस एक सख्त और निष्ठावान व्यक्ति था। उन्होंने हमेशा बेहतरीन परिणामों की मांग की और अपनी उच्च मानदंडों के साथ काम करने की प्रतीक्षा की। काम शुरू हो गया और पेंटर और रवि ने एक बड़ी नई आवासीय इमारत को सुंदरता से पेंट करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन पेंटर और रवि ने अपनी कौशल से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने कौशल को संगठित ढंग से इस्तेमाल किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छी टीमवर्क और काम करने की योग्यता हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। धैर्य, मेहनत और संगठनशीलता भी महत्वपूर्ण होती है। एक सफल और मजबूत टीम हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहती है, चाहे वह एक चीज का परियोजना हो या किसी और कार्य की जिम्मेदारी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें।